प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड इथिक्स जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका मॉड्यूल वन का पार्ट बी। तो इसमें हम लोगों ने कई सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा सबसे पहला इन्वायरमेंटल इथिक्स। इन्वायरमेंटल इथिक्स जो है एक तरीके का स्टडी होता है मोरल इशू जो रिलेटेड होता है आपका इन्वायरमेंट से, और किस तरीके से हम अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपने बिलीफ को चेंज करें ताकि जो इन्वायरमेंट है उसे हार्म करने से बचाएं, है ना। हमारा मकसद क्या रहता है कि पानी पिए, बिक दिए पानी जिधर, है ना, खाना खाए, अनाज वगैरह ऐसे ही गिरा दिए, बिक दिए, मतलब प्रॉपर डिस्पोज उसको नहीं किए। तो अपना मोरल जो पर्सपेक्टिव बिलीफ होता है उसको चेंज करना, और एक इस बिहाफ पे ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम हम लोग क्या कर सके, हार्म कर सके, मतलब कम से कम हम नुकसान पहुंचा सके इन्वायरमेंट को। इस तरीके का जो स्टडीज होती है जो मोरल इश्यूज से रिलेटेड, वो हमारा इन्वायरमेंटल इथिक्स कहलाता है। इंजीनियर्स इन पास नोन फॉर देयर नेग्लिजेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन देयर एक्टिविटीज, है ना। जो इंजीनियर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा जानकारी होना चाहिए एनवायरमेंटल इथिक्स की, क्योंकि कई बार उन्हें नेग्लिजेंस भी करना पड़ता है कुछ चीजों को, लेकिन बहुत सारी चीजों को उनको लेकर चलना पड़ता है। डिजास्टर्स एनवायरमेंटल ब्रीचेस, है ना, क्या डिजास्टर्स आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल, अगर प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल ना करें तो। इसके अलावा आपका ई वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड ड्रेन, ये सभी कारण बन सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से किसी भी वेस्ट को, है ना, किसी भी वेस्टेज को अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, इंडस्ट्रियल और ग्लोबल वार्मिंग आएगा, एसिड ड्रेन होगा, ये सारी चीजें। नेग्लिजेंस एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें बताता है फेलुअर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन पार्टिकुलर सिचुएशन रिजल्टिंग इन हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टीज, है ना, किसी भी के प्रॉपर्टीज को या किसी पर्सन को हार्म कर रहा है, मतलब हानि पहुंचा रहा है, तो उस केस में उस सिचुएशन को कैसे रीजनेबल एक जो फेलुअर हो रहा है उसको कम से कम ओवरकम किया जा सके। तो ये एक तरीके का लीगल आपका कॉन्सेप्ट होता है नेग्लिजेंस, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इन टोट लॉ, है ना, कोर्ट लॉ, है ना, टोट नहीं, कोर्ट लॉ, है ना, कोर्ट लॉ विच डील्स विद सिविल रॉन्ग्स एंड लियबिलिटीज आर अराइजेज फ्रॉम सच रॉन्ग्स। नेग्लिजेंस काउजेज या नेग्लिजेंस जो केसेज होता है टाइपिकली इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग एलिमेंट्स में, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कैजुए काउजेशंस, काउज इन फैक्ट यानी एक्चुअल काउज, प्रॉक्सीमेट काउज यानी लीगल काउज, एंड डैमेजेज जो प्लेंटिफ होता है, मस्ट हैव सफर्ड एक्चुअल हार्म, whether it is physical injuries or emotional distress or properties damaged as a result of defendant's negligence. Vigil mechanism एक ऐसा mechanism होता है जिसमें क्या होता है कि जो whistle blower होता है, है ना, मतलब जो ये बताता है कि भाई कोई इथिकल चीज नहीं हो रहा है, अनइथिकल चीजें हो रही है, उसको कंप्लेन करता है तो विस्टल ब्लोअर कहलाता है। तो वही हमारा विगिल मैकेनिज्म को क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। तो विगिल मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम और प्रोसेस होता है जो कि स्टैब्लिश किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू इनेबल एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर और इंडिविजुअल टू रिपोर्ट कंसर्न, रॉन्ग डूइंग, अनइथिकल बिहेवियर और कोई भी तरीके का मिसकंडक्ट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको रिपोर्ट करना ही विगल मैकेनिज्म हमारा कहलाता है। उसको कई बार हम लोग विस्टल ब्लोअर मैकेनिज्म या विस्टल ब्लोअर पॉलिसीज भी कहते हैं। ये जो विगल मैकेनिज्म है इसका पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना और इथिकल कंडक्ट को प्रमोट करना। जो की एलिमेंट होता है विगिल मैकेनिज्म का वो आपका होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट,
है ना, क्या होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, मतलब जो विस्टल ब्लोअर्स होते हैं वो रिपोर्ट तो करते हैं लेकिन सबको बताकर नहीं कि भाई ये गलत काम कर रहा है, एकदम कॉन्फिडेंशियली एकदम चुपचाप जाके बस रिपोर्ट कर देता है। एनोनिमिटी सम विगिल मैकेनिज्म अलाउ एनोनिमस रिपोर्ट, है ना, कुछ वैसे विगिल मैकेनिज्म होते हैं जिसमें एनोनिमस मतलब अनजान बनकर, है ना, मतलब हम नहीं जानते हैं भाई कि हम कौन है ना, तुम हमको मत जानो कि हम कौन है, बस हम तुमको रिपोर्ट भेज रहे हैं ना, इस रिपोर्ट को पढ़ो और अपना तुमको खुफिया जासूसी करना है कि क्या करना है, तुम समझो। नॉन रिटेलिएशन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, रिपोर्टिंग चैनल्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, लीगल प्रोटेक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट, तो ये सारे एलिमेंट्स आपके होते हैं विगिल मैकेनिज्म के। विस्टिल ब्लोइंग एक तरीके का एक्ट है ऑफ एक्सपोजिंग और रिपोर्टिंग रॉन्ग डूइंग, इलीगल एक्टिविटीज और अनएथिकल बिहेवियर या कोई भी मिसकंडक्ट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका की पॉइंट्स अगर बात किया जाए तो ये क्या देता है, एक मोटिवेशन देता है विस्टिल ब्लोअर को कि आप भाई बताओ कि कोई गलत कर रहा है ताकि उस पर कार्रवाई किया जा सके। प्लस टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, अगर मिसकंडक्ट अगर बात किया जाए तो कई तरीके से मिसकंडक्ट होते हैं आपके, फाइनेंशियल फ्रॉड, करप्शन, वर्क प्लेस हरासमेंट, इन्वायरमेंटल वायलेशन, सेफ्टी हैजार्ड और भी कई सारे। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन भी लिया जाता है, जो विस्टल ब्लोअर होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उसको किसी तरीके से खतरा ना हो। इसके अलावा कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, डिफिकल्टीज भी देखने को मिलता है विस्टल ब्लोअर को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेस करता है जॉब लॉस को, पर्सनल थ्रेट्स, सोशल आइसोलेशन और लीगल चैलेंजेस भी देखने को मिलता है, जिसके कारण से वो जो विस्टल ब्लोअर होता है कहीं ना कहीं हार मान लेता है, कहता है भाई क्यों हम करें, रहने दो, जैसा चल रहा है सिस्टम चलने दो। अगला है प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर। प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, ये भी रेफर करता है विस्टल ब्लोइंग को ही, जो कि इसेंशियल मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये बताता है इंटीग्रिटी और इथिकल स्टैंडर्ड्स को विद इन वेरियस प्रोफेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें लीगल प्रोटेक्शंस होता है ना, कई सारे कंट्रीज में एक प्रॉपर लॉ बनाए गए हैं, जो विस्टल ब्लोअर होंगे उसको प्रॉपर तरीके से सेफ्टी दिया जाएगा, है ना, एक मतलब लॉ ऑफ एक्ट को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। प्लस अगर आप किसी कोई सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, है ना, मतलब आपकी बातों को हर किसी के सामने खोलकर उजागर नहीं किया जाएगा, एनोनिमस रिपोर्ट रखा जाएगा, है ना। इसके अलावा जो आपका रिपोर्टिंग करने का जो चैनल होगा, माध्यम होगा, वो भी आपका प्रोटेक्टेड होगा। इसके अलावा नॉन रिटेलिएशन भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्टेड होंगे, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉलो अप होगा। इसके अलावा प्रोफेशनल कोड ऑफ इथिक्स आपका एक होगा कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका ये कोड ऑफ इथिक्स है जिससे पता लगाया जा सके कि आप कुछ अलग काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा लीगल राइट एंड रेमेडीज भी आपका होता है कि भाई लीगल राइट क्या है। इसके अलावा इथिकल डायलेमा भी आपका यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे दिया गया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को MRS स्टडी को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है। आप यहाँ पे कोर्सेज में तो वीडियोस देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ वैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं जो कि आपको YouTube पे प्रोवाइड किया जाता है, तो वह आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो। और अगर आप के कोई जूनियर्स हैं, है ना, जो BCCLE की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों को इंजीनियर प्लस ऐप के बारे में, प्लस इंजीनियर प्लस यूट्यूब चैनल हमारा जो कि सेकेंड यूट्यूब चैनल है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू।